الدين عند الله الإسلام تقرا جلسة حكم صاحبات مشيك مرابعة خطيبة إكرام أردو دراسة عيوية محمل عن إيجام أردو من كاتلو أعز كيف تعلن أصابتي برورامي مي تقرير كعنواني دين كاهي تقرات الله كي بين مثل ما هو عليه وسلمني الله كي مرضي كي مطابق نبي درنا رمضان كي जो तरीके हमको बताए हैं उसी का नाम दिन है। इस दिन की बुनियाद तीन चीजों पर कायम है, नंबर एक ईमान, नंबर दो इस्लाम, नंबर तीन इंसान। ये भी कह सकते हैं कि इन्हें तीन चीजों के मजमा का नाम दिन है। ईमान का मतलब यह है कि हम जिस दिन से बातों का यकीन करे, नंबर एक अल्लाह ताला खुद से वाहिद है, वही मालिक है, खालिक है और वही इबादत के लायक है। नंबर दो फरिश्तों पर ईमान लाना, तो खुदा की एक महसूस है। नंबर तीन अल्लाह पाक ने अपने बंदों की हिदायत की है, कुरान मजीद से पहले और बहुत सी किताबें नाजिल की है। नंबर चार हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और बहुत से अंबिया और रसूल दुनिया में भेज सकते है, जिन पर एक किताबें नाजिल हुई थी। नंबर पाँच क़यामत आने वाली है। नंबर छह तकदीर हक है, यानी अल्लाह पाक ने दुनिया की हर चीजों को पैदा करने से पहले उसका अंदाजा मुकर्रर कर दिया है और रास्ता भी इसी मुकर्रर अंदाजा के मुताबिक हुए हैं, यहाँ तक कि हमारा अच्छा बुरा काम भी। इस्लाम का मतलब यह है कि नंबर एक हम जुमा की बात की गवाही दावत करते हैं कि अल्लाह ताला कैसे वह कोई दूसरा ऐसा नहीं इसकी इबादत की जाए, और इकरार करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नंबर दो पांच वक्त नमाज पाबंदी के साथ अदा की जाए। नंबर तीन अल्लाह के दिए हुए माल की खास दानत है, अता ज़कात के एक मुकर्रर रकम निकाली जाए। नंबर चार हर साल रमजान के महीना में पूरे रोजे रखे जाए। नंबर पाँच अगर ताकत हो तो जिंदगी भर कम अज कम एक मरतबा खाना काबा खर्च किया जाए। यही पाँच चीजें बुनियाद है, उनको इस्लाम की महत्वपूर्ण या द्वारे भी कह जाता है और इस्लाम के पांच रुकन है। इंसान का मतलब यह है कि अल्लाह की इबादत खुशी के साथ की जाए कि हम अपने मालिक की चीज को देख रहे हैं या कम अज कम यह ख्याल रखे मालिक की वजह कर रहे हैं, काम को देख रहे हैं, उसको हमारे हर काम की पूरी खबर है। काम अच्छा उसकी मर्जी के मुताबिक हो तो बदला भी अच्छा अदा करेगा, और अगर हमारा काम खराब और उसका खिलाफ हो तो हमको उसकी सजा देगा। अब मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हम तमाम मुसलमानों को दीन की सही इस्लाम अता फरमाए और इसे इस्लाम पर चलने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।